हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का संस्कृत का द्वितीय पाली में पेपर हुआ है तो मैं इस वीडियो में ना आपको संस्कृत का द्वितीय पाली का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको 100% दोस्तों आंसर सही सही बताऊंगा, क्योंकि आंसर खोजने में थोड़ा सा समय लग गया दोस्तों। पूरा मैं आंसर खोज लिया हूं और पूरा 100% आपको सही सही आंसर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से अपने अपने आंसर कर लीजिए दोस्तों। सेट सी है, लेकिन कोई भी सेट हो दोस्तों क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा, आप लोग का क्वेश्चन सबसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, किस पद में दोस्तों व्यंजन संधि है, तो आपका पांच क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपका डिबू समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है तीन नंबर, इक्षेम का विग्रह क्या होगा, इक्षाम अंतरिव्यम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है सार्थम अव्यय में कौन सी दोस्तों विभक्ति होती है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर द्वितीय दोस्तों विभक्ति होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। और छठा नंबर क्वेश्चन है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कर्म कारक में द्वितीय हो जाएगा। और भास रचित नाटों की संख्या कितने है दोस्तों, 13 होगा, आपका आंसर मिलेगा बी नंबर। वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, घोड़ा होता है, इसका अर्थ होता है घोड़ा। करुणा सदन पीठ पाठ में अभियो किसकी युक्ति है दोस्तों, शल्य की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कति यहाँ पर हम लोग भरेंगे, ठीक है ना, सबुदा मूला पादव निपतंती, तो यहाँ पर कति भरेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदरम करते हैं गुरु गृह में, दोस्तों आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कार कितने दोस्तों, 16 होते हैं, आंसर याद रखना। सिमेंटोनियन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भवती प्रसन्नतम होते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कार्णिक मंत्री अस्थित, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आपका क मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा ए नंबर दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रदीप के राग ये डेस स्थानों में क्या भरेंगे, विजय भट्टारी का दोस्तों हम लोग भरेंगे। और देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इसका मतलब होता है दोस्तों समीप होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम समीप होता है, मतलब कि नज़दीक होता है, समीप होता है, ठीक है ना। और देखो अगला क्वेश्चन, हमारी मातृभूमि कैसी है दोस्तों, ABCD आपका सही डी नंबर होगा, सभी हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार दोस्तों कितने होते हैं, पाँच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिरुलंबा रचित का चंपू का भैया दोस्तों वर्दाम्बिका पढ़ क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य कवि रीति प्रथमा कौन है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा विजयांक का दोस्तों, आपका आंसर मिलेगा सी नंबर। राम परेश राम के गांव का क्या नाम था दोस्तों, भीखन टोला, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि प्रशासन द्वारा भीखन टोला गांव से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया था, प्राथमिक दोस्तों विद्यालय। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, स्वग्रामन गच्छन त्रिनम स्पृशती मिल जाएगा आपका तेज का आंसर, ठीक है ना। और आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कर्मणि वीर का समास पद क्या होगा, कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबोदर में दोस्तों बहुव्रीहि समास मिल जाएगा, किस पद में पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव समास आपका मिल जाएगा, ठीक है ना, अव्ययीभाव समास दोस्तों मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों, 9+1 से कौन सी संधि बनेगा दोस्तों, आपका नाभिक बन जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, देवर्षी में दोस्तों कौन सा संधि है, देवर्षी में दोस्तों आपसे संधि पूछा जा रहा है, तो देवर्षी में दोस्तों संधि मैं निकाल कर आपको बता दूंगा तुरंत, ठीक है ना। और यहाँ पर पराक्रम दोस्तों आप भरेंगे अकीर्तिम हंति, आपका आंसर मिलेगा ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग भरेंगे परम तृप्ति यानी कि विद्या हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आ प्लस छोटा ए होगा, सी नंबर मिल जाएगा, मत ए। अब देखो विसर्ग संधि का दोस्तों उदाहरण बता देना, एक एक हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा दोस्तों 32 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शिवपासकों में कौन सा दोस्तों आपका समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग दर्शन का परिवर्तन कौन है दोस्तों, पतंजलि होंगे, ठीक है ना, मैंने कर्णाद इसके पहले वाला वीडियो में बताया था, ठीक है ना, आप लोग मिला लेना, आप सही है। और शांति के निवारण का उपाय किस पाठ में दोस्तों, तो विश्व शांति पाठ में दोस्तों, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दो बार आ गया ना, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका द्वेष होगा, द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। बिरला का मतलब होता है ज़्यादा, किससे शांति होती है दोस्तों, परोपकार से शांति होती है। वसुधा प्लस एव से क्या बनेगा, वासुदेव बनेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रूपम यानी कि मृज्या हो जाएगा दोस्तों, मृज्या आपका सी नंबर मिल जाएगा, मृज्या आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्षेते रूपम, रूप की रक्षा होती है तो मेरी जस होती है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्य उपकार यानी कि परोपकार आपका मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों दात्री हो जाएगा, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी हो जाएगा, इंद्राणी ई वाला इंद्राणी सही होगा, डी नंबर वाला।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महापंख में कौन फंसा था, तो पथिक फंसा था। ये तो प्रदेश कैसा ग्रंथ है, व्यंग्यात्मक दोस्तों, डी नंबर मिल जाएगा। धारा शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धारा का धारा का अर्थ होता है दोस्तों माता होता है, ए नंबर होगा। महत्तम दोस्तों महत्तम में त्व आपका प्रत्यय हो जाएगा, त्व आपका प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्रिया बिना घ्यारम दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम आपको नहीं बता सकते, आंसर नहीं खोज पाए, तो दोस्तों प्रत्यागत में आपका प्रति मिल जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है उ प्लस अ से क्या बनेगा दोस्तों, उ प्लस अ से अ बनता है ना, अ बनता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन अस्मद अस्म का बहुवचन क्या होगा, मम होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अगला क्वेश्चन का आपका आंसर आदित्यम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम आदित्यम को भरेंगे, आदित्यम। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, रामायण से दोस्तों संकलित है, आंसर ये मिल जाएगा। हे कल्याणी दोस्तों ये आपका हो जाएगा, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो माता सीता के लिए दोस्तों। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, मूल शंकर नाम था, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आंसर होगा कति हो जाएगा, यहाँ पर मिला लेना आप लोगों का कति मिल जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में गुजरात में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे दोस्तों, याद रखना। और देखो अगला क्वेश्चन आपका है जीवनम हो जाएगा, शिक्षा कर्म जीवनम परमागति आप वहां पर भरिएगा। और उपैतित उपैति पद का अर्थ होता है दोस्तों प्राप्त करता है। अब देखो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दशनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, 24 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। विग्रहते दोस्तों यह हमारा अयादि संधि मिल जाएगा डी नंबर। असंभव में दोस्तों नए समास होता है, आंसर मिल जाएगा। भाग्य देखो भाग्यति तत्व तत्व संभव होती है, यानी कि भाग्य से ऐसा संभव हो सकता है। किसने सोचा, पथिक ने दोस्तों सोचा था। नीति सूर्य का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। अलस कथा में कितने आलसी सोए हुए थे, 4 आलसी सोए हुए थे। ईसत ईसत देखो ईसत का मतलब होता है दोस्तों दूर होता है, ईसत का अर्थ होता है दोस्तों दूर। अब देखो अगला क्वेश्चन बालका बालक सिन्हा तो विभेति, इसका आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है दोस्तों, तो संस्कार हो जाएगा आपका, मिल जाएगा सी नंबर। मधुर प्लस तल से क्या बनेगा दोस्तों, मधुर प्लस तल से दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। एक्चुअली में खोजे हैं लेकिन नहीं मिल पाया जल्दी, ठीक है ना। और इसका इसका आपका आंसर मिलेगा दोस्तों बी नंबर मिलेगा, वेदार्थ बोध हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन डीप डीप प्रत्यय किसमें दोस्तों है, तो कुमारी में है दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन कुमारी में दोस्तों आपका हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, कुमारी में हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया ना, इसका भी आंसर नहीं पता है दोस्तों, ठीक है ना। आर्यभट्ट किसकी रचना, आर्यभट्ट की दोस्तों, आर्यभट्ट की हो जाएगा। अब देखो उपगम्य में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, को तो आपका हो जाएगा। आसित आसित किस लकार के रूप है, लड लकार के दोस्तों रूप है, डी नंबर मिल जाएगा। छात्र छात्र दोस्तों छात्र के समान किस शब्द का रूप चलेगा दोस्तों, पुस्तक, आंसर डी नंबर मिल जाएगा। देखो संसार में आपका सम उपसर्ग मिल जाएगा आपका ए नंबर, सी नंबर मिल जाएगा। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी दोस्तों हम नहीं खोज पाए हैं। और इसका आंसर आपका हो, इसका आंसर पढ़ी गई आंसर आपका ए नंबर, सी नंबर मिल जाएगा। मत्ति शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगा, मत्या हो जाएगा आपका आंसर। काव्य मीमांसा के दोस्तों रचनाकार कौन है, काव्य मीमांसा के राजशेखर जी हो जाएंगे दोस्तों, राजशेखर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पटना किस शब्द से निर्मित शब्द है, तो पटन आपका आंसर मिलेगा ए नंबर। पटना नगर की बल्कि देवी कौन है, तो पटन देवी दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गच्छेव किस धातु का है, तो गच्छ आपका आंसर मिलेगा ए नंबर। अगला आपका है दोस्तों पापलस्तुमिन से क्या बनेगा, पातुम, यानी कि आपका आंसर मिलेगा सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भरेंगे हम लोग वार्षिका परीक्षा, यहाँ आपका भरेगा, यहाँ पर हम लोग भरेंगे ऑप्शन नंबर बी को भरेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन अज्जा में कौन सा स्त्री प्रत्यय, अज्जा में दोस्तों आपका टाप होता है ना, अज्जा में टाप होता है, क्या होता है, टाप होता है। अब स्मृति स्मृति में दोस्तों क्या, स्मृति का भी आंसर नहीं मिल पाया। और 91 नंबर का दोस्तों आंसर डी नंबर मिल जाएगा, हे मोहना, बस ई वाला चिन्ह जहाँ पर देखना, विषय बोधक चिन्ह जहाँ पर देखना वो टिक लगाना है। देखो देखो जयंतु किस धातु के रूप में, जी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी का होगा। राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन के रूप क्या होगा, राज्ञाम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन त्वई शब्द का मूल रूप क्या होगा, अहम हो जाएगा दोस्तों, अहम होता है ना, अहम होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रत्यहम में दोस्तों आपका प्रति उपसर्ग मिलेगा। आलस्यम आलस्यम दोस्तों है ना, आलस्यम में मतुम मतुम मिलेगा आपका, प्रत्यय मिलेगा, मतुम मिलेगा।
और देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला का दोस्तों बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान यहाँ पर भरेंगे हम लोग, ठीक है। और अगला का दोस्तों हम लोग भरेंगे यहाँ पर धावंती भरेंगे, नहीं धावत भरेंगे, क्या बनेंगे धावत भरेंगे। आंसर आपका 98 का ए नंबर मिल जाएगा। नम प्लस का तो कौन सा शब्द बनेगा, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। और इसका आंसर का आपका दोस्तों, इसका भी दोस्तों 100 का भी आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, मतलब कि सबका आंसर बता दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों का बहुत सही हुआ होगा मेरे को उम्मीद है, ठीक है ना। और आप लोगों ने सब्जेक्टिव बनाया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।